सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है। फिर वो राष्ट्र पूरे राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है। सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और धर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है और परिणाम कुछ इस प्रकार। हाँ, कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं। यही कारण है कि भृगु और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की आज भी पूजा की जाती है, रावण और हिरण्यकश्यप की नहीं। इस पर तो आप विचार अवश्य करें। सत्य कहा ना?